सुबह सुबह सब लोग धूप अगरबत्ती करते हैं, हमारा क्या है कि गाय का पॉटी साफ करना बस। गू बोल दे, गू पॉटी क्या गू भाई। देखो ये हमारे सिस्टम देखो। तो कैसे हो आप लोग, सूर्य का प्यार भरा नमस्कार। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत है सुबह 10 बजे से, और आपका जिस दिनेश मैं चस्सी भाई फिर से अपने नए ब्लॉग में आ चुका है। तो गाइस सबसे पहले दिखाएंगे यहाँ का मौसम का क्या हाल है, उसके बाद जो भी ब्लॉग बनेगा। ठीक है, ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है सुबह, आज जो भी होगा फिर दिखाएंगे आपको। गाइस सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है हमारे घर से, ये देखो। मौसम की बात करें तो आज सुबह बारिश थी और अभी मौसम ठीक हो गया है एकदम मस्त। तो हम ले जा रहे हैं आपको यहाँ, देखते हैं आज कौन कौन है घर में। यहाँ पहुँचे तो हमारी दीपू जी छत में चढ़ चुकी हैं। देखो ये बच्चों के ऐसे आज छुट्टी है इनकी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में आज छुट्टी होती है। और ये हमारे गोल्डी भाई, आज इनके कान में हेडफोन नहीं है, वरना ये भी एक मशीन लगाए रहते हैं दिन भर। और ये हमारी बहन दिव्यांशी, बिग फैन। गाइस हाँ, और ये दिन कह रहे थे तुम्हारे पास है करके, फिर उस दिन आप ही के पास नहीं निकला वो। ओ गाइस बड़ी खतरनाक बात चल रही है इधर पे। गाइस ये कह रहे हैं कि मेरे से बाहर नहीं जा रहे हो काम के लिए, और सब यहाँ से सामान ये ले जा रहे हैं, हमारे नाशपाती आलू पोलम सब उठा के सारी कमाई यहाँ से अपना ले जा रहे हैं, और मेरे से बोल रहे बाहर जाओ। देखो गाइस बाहर है पैसा, बाहर पैसा है ही, कहाँ है पैसा बाहर, दिल्ली मुंबई, दिलाओ हमें दिलाओ जरा। चलो मेरे साथ, तुम यहाँ क्यों आए हो, चलो मेरे साथ, तुम यहाँ क्यों आए हो पैसे लेने लिया कमाने, फिर हम तो आते ही हैं। तो 35 साल हो गए, तुम जरा सुने थे, तुम नहीं थे। तो पहाड़ को लूटा तो तुमने, हमारा सारा पैसा तो तुम वहाँ पहुँचा दे रहे हो। अच्छा है बात नहीं, हाँ बुबू हम रुपए से इन सब वहाँ ना पूजा दिन ने। ये हमारे इस्लाम भाई हैं, इस्लाम भाई यहाँ से हर बार हमारी नाशपाती हाशपाती तोड़ के आलू आलू सब ले जाते हैं, और मुझे कह रहे कि तुम दिल्ली जाओ पैसा कमाने। गाइस देखो है, कल 3 लड़के गए मुलाकात से दिल्ली। तुमने लगाया है क्या जॉब, तुमने लगाई है जॉब, क्या करने काम करने गए होटल, लगाओ ना तुम, ना तुम बताओगे आज, आप पूरी डिटेल पता चलेगी। गाइस ये आज कितने 35 साल हो गए इनको, ये पहाड़ से सारा हमारा पैसा लूट के ले जा रहे हैं, और कह रहे कि हमसे कि तुम वहाँ जाओ दिल्ली। ये क्या नाम होटल में, ऐसे ऐसे लोग है गाइस, ये हमारे इस्लाम भाई हैं, ये मतलब पहाड़ों में आके नाशपाती ले जाते हैं, मतलब बहुत सा पहले से ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। बट ये जब भी मुझे देखते हैं कहते हैं तो बाहर नहीं जा रहा दिल्ली, बाहर नहीं जा रहा दिल्ली। तो पता है यार मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा सकता हूँ, कहीं समझाएं इनको यार। गाइस खोपड़ी ख़राब सुबह सुबह, मत्था गर्म हो गया सुबह सुबह, कह रहे दिल्ली नहीं गया, दिल्ली नहीं गया काम के लिए। सो गाइस इस्लाम भाई यहाँ से नाशपाती और हमारे जो भी मतलब किसान का होता है वो ले जाते हैं यहाँ से, और वहाँ महंगा महंगा बेचते हैं। तो गाइस वो मुझसे हर रोज यही पूछते हैं कि तुम दिल्ली कब जा रहे हो, दिल्ली अब यार दिल्ली, उनको कौन समझाए कि दिल्ली नहीं जा रहा हूँ मैं, यहीं पैसे कमाऊंगा। उनको कौन समझाए कि जस्सी भाई अब ब्लॉगर हैं, और उनका जो भी इनकम का सोर्स है अभी यहीं से हो रहा है थोड़ा बहुत, और बाकी एक चीज़ और कर रहे हैं हम जो अभी हम बताएंगे नहीं, थोड़े दिनों बाद तुम्हें खुद दुख जाएगा, किसान की खेती। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि कीवी का प्लांट लगाऊँ, मैंने मैडम से बात करी है, उसके बाद मोटा पैर ना मोटी पैसा का इस स्वरोजगार अपनाएंगे यार, क्यों जाएंगे दिल्ली, यहाँ बहुत पैसा है, यहाँ से ये ले जा रहे हैं पैसा सारा, यहाँ पे 50 रुपये कट्टे में ले जाते हैं और वहाँ 300-400 रुपये कट्टे में बेचते हैं यार। बुबू चुमास आ चुका है, बुबू अपने लिए टोपी फिर से बनाने लग गए हैं, देखो ये इतनी बड़ी कलाकारी है बुबू के हाथ में। बुबू देखो ये नल दिखाओ बुबू जरा, ये अच्छे देखियो गैस, इनका बनाते हैं, ये इनका बनाते हैं टोपी, बड़े खतरनाक टोपी बनाते हैं, 5-5 हज़ार की बेचते हैं। फिर ये बनकी है, नली नहीं है गाय, नल ले आओ गाय लोगो यार, नल का सोर्स करा दो हमारे बुबू के लिए, नल का नल चाहिए गाय लोगो, नल चाहिए महीन वाला नल, ये गाय से गेहूं के जो होते ना वो चाहिए, फिर बनाएंगे बुबू अपने। तभी देखो बुबू की टोपी में छेद हो गया है, तो बुबू अपनी टोपी के लिए बना रहे हैं अभी, नल की व्यवस्था कर रहे हैं। अगर गाय लोगो किसी के पास हो तो यार थोड़ा सोर्स करा देना यार नल वल का, कहीं नहीं ठहरा। अच्छा ओके ओके, महीन नल चाहिए गाइस, ढूंढ ढूंढ के बुबू बनाएंगे टोपी, इसमें बहुत ही मेहनत लगती है, बुबू एकदम मस्त टोपी बना देते हैं, फिर इससे बहुत मेहनत है गाइस, बहुत भयंकर टैलेंट है एक, मतलब टोपी इतनी तगड़ी, मैं टोपी क्या डाली सब कुछ बना देते हैं गाइस उस नल से। अगर आपके लिए अगर बनानी हो तो एक अच्छा मस्त वाला नल ले आना, तुम्हारे लिए बना देंगे, उनको फीस दे देना बनाने की 2-3 हज़ार रुपये 2 हज़ार रुपये। और बाकी अगर आपको टोपी खरीदनी है तो ये 5 हज़ार में बेचते हैं, बट आजकल तो नहीं बेच पाएंगे क्योंकि है नहीं, दो ही बन रखी हैं आजकल, क्योंकि दो उनको चाहिए, वो एकदम लुक में जाते हैं ना अपना एकदम
यो हनी सिंह वाला लुक गाइस, ठीक है। तो बुबू से भी तुम्हें दिखाएगी कैसे बनाते हैं बुबू टोपी, क्योंकि बुबू टोपी में तो तुमने काफ़ी बार देखी है। मैं जा रहा हूँ आज कपिलेश्वर महादेव मंदिर, जो तुम्हें रैली दिखाई थी ना उस दिन निकली थी रैली, क्या मतलब वो कलश यात्रा दिखाई थी आपको कपिलेश्वर महादेव की ना, तो हम जा रहे हैं वहीं, ठीक है। और इन इन ये इन इन नंगों का मतलब ये लोग पदनान किया कपिलेश्वर महादेव पहुँच के है नंगो। कौन उछा तुम कफलांग कफलांग, यहाँ नहीं है मंदिर एक? तो गाइस हम जा रहे हैं कफलांग, ठीक। मंदिर जाना तो मैं तुम्हें पता है मैं जा ही रहा हूँ मंदिर, क्योंकि वहाँ भी जाना जरूरी था, टाइम नहीं मिल रहा है तो हम जाते हैं। गाय ये भी आ रहे हैं, देखो ये झाड़ा लेने जा रहे हैं गाइस। इनका काम सिर्फ झाड़ लाने का है, गोट गाड़ने का है और दूध लगाने का है। सुबह 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 सब लोग धूप अगरबत्ती करते हैं, हमारा क्या है कि गाय का पोटी साफ करना बस। गू बोलते हैं, गू पोटी क्या गू भाई, सीधी सी बात है, गाय का गो साफ करते हैं। और ये करना पड़ता है ना, क्या करें अब, ये बेचारी का फौजी दुला होता तो नहीं करती, ये बेचारी का फौजी दुला होता नहीं करती, तभी तो फौजी दुला की बेनिफिट तो यही है कि गोरु का गोठ निकालना पड़ता है, ठीक है। दिल पे मत लेना बट इट्स जोक, ठीक है। बाकी अब हम जा रहे हैं कपिलेश्वर महादेव मंदिर, तो आपको दिखाते हैं कि कहाँ है कपिलेश्वर महादेव मंदिर। एक गाँव है हमारे यहाँ कफलांग, वहाँ है, ठीक है। सामने वाले मंदिर में देखो, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, देखो ये सामने यहाँ जाना है, ठीक है। गेट एंट्री यहाँ पे देखो ये, ठीक है, ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर। तो हम जा रहे हैं वो सामने कपिलेश्वर महादेव मंदिर है, तो यहाँ जाते हैं क्यों गाइस। मंदिर, ठीक है, मंदिर के पास जाएंगे और देखो व्यू कितना तगड़ा आ रहा है मंदिर का, कपिलेश्वर महादेव मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, प्यारा लग रहा है गाइस। देखो ये गाइस हम निकल चुके हैं मंदिर में और प्यारे प्यारे बच्चे दिखे यहाँ पे, स्वीट से एंड क्यूट से गाइस। तो देखो ये मंदिर जाओ भोलेनाथ, तो हम निकल पहुँच चुके हैं गाइस, तो दिखाते हैं आपको आज कथा और मंदिर। तो गाइस यहाँ पे और रखिए कथा, देखो ये तेरे दर्शन बिना मैं विकल हूँ, तेरे तेरे दर्शन बिना मैं विकल हूँ। गाइस ये हमारे बिग फैन मिले इधर पे, कैसा चल रहा है माहौल, बढ़िया हो रहा है ना, पूजा एकदम मस्त हो रही है, आइए भारी मात्रा में आइए, बिल्कुल बिल्कुल भागवत में बिल्कुल अच्छे ब्रो। देखो कथा देखने बहुत सारे लोग आ रखे हैं यहाँ पे, और ये देखो बहुत ज्यादा लोग मतलब बहुत ज्यादा, और ये हमारे चाचाश्री हैं इधर पे, देखो यही करा रहे हैं यहाँ पे अभी मंदिर का जो काम धाम देख रहे हैं मतलब यहाँ पे। और ये कपिलेश्वर महादेव मंदिर है गाइस, ये सारे हमें हमारा नाम जानना चाहते हैं। हमारा नाम है नीरज महर जस्सी ब्लॉग, ओके एक बार बोलो नीरज महर जस्सी ब्लॉग, बस हो गया बस, नीरज महर जस्सी ब्लॉग। देखो ये गाइस ये सब नहीं, और ये प्यारी बहन आ गई हमारी, ये देखो सबसे क्यूट क्यूट बहन है, देखो कितनी प्यारी है, देखो गाइस बिग बहन। ये है मंदिर के कार्यकर्ता, देखो ये हमारे दादा लोग यहाँ पे प्रसाद बना रहे हैं, हम भी जाते हैं यहाँ थोड़ी हेल्प करते हैं। ओ हो प्लग प्लग हो प्लग, सो सारे गाइस यहाँ पे प्रसाद बना, पहुंचे प्रसाद वाली जगह गाइस। ये देखो ये हमारे विष्णु गुरु, और ये हमारे जो जो देखो देखो दिखते रहते हैं, ये तो आते रहते हैं। हमारी चैगुनी ब्रांड पहुंच गई है यहाँ, देखो ये हमारी चैगुनी ब्रांड मेरे गांव की है गाइस ये सारे, तो ये भी कथा में आ रखी है, देखो ये अरे आमा भी आ रखी है। देखो हमारे गांव के आते हैं, देखो एक एक करके, ये देखो हेलो 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 हेलो, सभी देखो गाइस हमारे गांव के लोग आ चुके हैं यहाँ पे। भला कैसे मैं तुझे तो बुलाऊं, भला कैसे मैं तुझे तो बुलाऊं, भला के अंदर
माई जी नमस्ते, बाबा जी नमस्ते। तो गाइस हम गए यहाँ पे विभूति लगाने और ये है कपिलेश्वर महादेव मंदिर का फ्लांग के पास, तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो गाइस मैंने लगाई यहाँ पे विभूति मंदिर की, जो कपिलेश्वर महादेव की विभूति है, तो इसे मतलब जो नेगेटिव वाइब है वो नहीं आती है और आदमी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। देखो ये हमारे सिस्टम वाले देखो हमारे बहुत ही खतरनाक। क्या कह रहे हो, क्या है मेरे ब्लॉग का नाम? मेरे सिस्टम शान छा तुम मजा कर तू मैं तुम तो फैन है क्यों कछवान बैठे तू बैठे इतना थोड़ी देर वाह भैले अजी देख बन जाओ जी साइड तू बैठा हमारे सारे फैंस बैठ रखे और हम कथा सुन रहे सामने हो रही कथा यहाँ पे। ये हमारे भाई हैं देखो, ये भी मिले हमें यहाँ पे हमारे सब्सक्राइबर। और गाइस यहाँ पे मंदिर है देखो, ये मंदिर में मस्त। और ये भाई नए सब्सक्राइबर हमारे, ये देखो ये अभी तैयार हुए सब्सक्राइबर, सीधे जाके सब्सक्राइब करके आए अपने मम्मी के मोबाइल में, पता नहीं पापा के मोबाइल में किसके मोबाइल में कराए। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से मंदिर से, क्योंकि गाइस अब मुझे कहीं और भी जाना है, तो बाजार की तरफ जाना है, तो हम जा रहे हैं आज मंदिर से, क्योंकि कथा खत्म होने वाली है बस 5-10 मिनट की है, फिर हम चलते हैं, ठीक है गाइस। सत्तू भाई के साथ, ये हमारे सत्तू भाई की गाड़ी मिली है इसलिए हम इनके साथ जा रहे हैं। गाइस फाइनली मैं घर आ चुका हूँ, तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर गाइस, फिर मिलता है आपको कल नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, बाय बाय।